आगे बढ़ जाते हैं। इस बार यूपी की सियासी जंग और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी खुद तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन सूत्रों से खबर ये भी मिल रही है कि इस बार हो सकता है कि अखिलेश भी मैदान में उतर जाए। और सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव मैनपुरी की सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर अखिलेश पहले भी संकेत दे चुके हैं। दरअसल अखिलेश ने इशारा किया था कि वो पिता मुलायम सिंह जहां से लड़े हैं वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए कयासबाजियां और बढ़ गई हैं। और आपको बता दें कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, तो ऐसे में अखिलेश के मैनपुरी सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। और इस बार की चुनावी जंग दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 मुख्यमंत्री में से किसी ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, और साथ ही चाहे 2007 में मायावती हो या विधान परिषद के जरिए सदन पहुंची हो, 2012 की बात कीजिए, 2012 में अखिलेश तो 2017 में योगी भी विधान परिषद के रास्ते ही सदन पहुंचे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए, तो जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से आदेश करेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मैनपुरी सदर सीट से चुनाव अखिलेश लड़ सकते हैं। योगी अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर सियासी पारा भी चढ़क गया है। यूपी की जनता दोनों नेताओं के चुनाव लड़ने पर अलग अलग राय दे रही है। और एबीपी गंगा संवाददाता नीरज ने गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले रामगढ़ ताल पहुंचकर लोगों का मिजाज भी जाना, तो कुछ ने योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात कही तो अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कही गई। सुनिए कहां से चुनाव लड़ना चाहिए अखिलेश को और कहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहीं से भी लड़ ले उनको, उनको उसकी तो प्राथमिकता आजादी मिल दी जाती है, लगता कहीं से भी चुनाव लड़ ले। कुछ और भी यूथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां से, उन्होंने घोषणा भी कर दी है पार्टी जहां से कहेगी चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कहां से लड़ना? सर हमारे हिसाब से तो गोरखपुर से लड़ना चाहिए, वो यहां से 5 साल लगातार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव की बात हो रही है तो अखिलेश यादव को क्या लगता है, पूर्व युवा मुख्यमंत्री रहे तो वे कहां से चुनाव लड़े, आपकी क्या राय? अखिलेश यादव तो अभी तो फिलहाल वो सांसद हैं अपने आजमगढ़ से, और मैं तो चाहूंगा जहां से योगी उठे वहीं से अखिलेश भी उठे। ये बताइए आपको क्या लगता है कहां से आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां से चुनाव लड़ना। बात करें योगी जी की तो योगी जी भाई गोरखपुर से लगातार सांसद रहे हैं, तो गोरखपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर कहीं से भी अगर व्यक्तित्व अच्छा है, काम अच्छा है, तो यूपी में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती जी हो, कहीं से भी लड़ेंगे तो जीता जा सकता है। अगर क्या लगता है अखिलेश यादव को कहां से लड़ना? देखिए अखिलेश यादव को अधिकतम वो लोग तो आजमगढ़ सैफई ये लोग वहीं से लड़ते हैं, लेकिन कभी उनको दूसरे जगह जाके भी अपना आजमाना चाहिए। तो देखिए जनता का मिजाज भी दीपा यही है कि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सीधी टक्कर है, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़े इसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।